नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दुर्ग में पहुंच रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। आपको बता दें, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और दुर्ग में शाह के आने की तैयारियां हो चुकी हैं। गृहमंत्री अमित शाह दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री दोपहर 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। एयरपोर्ट पर ही गृहमंत्री अमित शाह लंच करेंगे और इसके बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से दुर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर करीब 1:35 पर जयंती स्टेडियम में पहुंचेंगे और यहां कुछ देर रुकने के बाद अमित शाह भिलाई के लिए रवाना होंगे, जहां पंडवानी गायिका उषा बारले के घर भी जाएंगे और यहां करीब 20 मिनट तक रुकेंगे और इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में पहुंचेंगे और यहां मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और यहां गृहमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश में कहां दौरा है, क्या कुछ है आगे डिटेल्स, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह के आज छत्तीसगढ़ दौरे के बारे में जानकारी, दुर्ग में रहेंगे शाह और यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। और दुर्ग में शाह की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है और ये जो कार्यक्रम यहां होना है कितना खास है, क्या है तैयारियां, डिटेल्स आगे पहुंचाते रहेंगे आप तक। भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भूल गए हैं ऐसा लगता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सरकार के 9 साल पूरा होने के एवज में आम सभा जो निर्धारित है उसके लिए माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। 50,000 से अधिक की भीड़ उस आम सभा में होगी। पंडवानी गायिका है पद्मश्री उषा बारले जी, संपर्क से समर्थन अभियान के अंतर्गत उनसे संपर्क के लिए देश के गृह मंत्री जी का जाना निर्धारित हुआ है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है कार्यक्रम। मिथिलेश, मैं आपके आसपास देख पा रहा हूं कि मंच लगभग तैयार है, जगह पूरी तरह से सेटल्ड है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य आ जा रहे हैं यहां पर चुनावी शंखनाद के लिए। निश्चित रूप से आज एक तरह से बीजेपी जो है चुनावी शंखनाद करने जा रही है और आज इसकी शुरुआत जो है दुर्ग से होने वाली है। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूं यहां पर कुछ देर के बाद में मोदी यहां पर जो अमित शाह जो है यहीं से लोगों को संबोधित करेंगे। करीब सभा के यहां पर सभी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद होंगे जिनको अमित शाह कुछ देर के बाद में संबोधित करेंगे। दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में पूरी तैयारियां कर ली गई है, हजारों की संख्या में यहां पहुंचने की ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस तरह से संभाग स्तरीय सम्मेलन है, संभाग स्तरीय सम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है ताकि अमित शाह जो है उनको पूरी तरह से चार्ज कर सके। चूंकि कांग्रेस का किला माना जाता है दुर्ग, जिसमें 20 में से 18 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास में है, ऐसे में उसको भेदना है तो बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बीजेपी जो है वो आज से ही शंखनाद करने जा रही है, अमित शाह स्वयं यहां पर पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनको चार्ज करने का प्रयास किया जाएगा। करीब 1:30 वे भिलाई में पहुंचेंगे, हेलीपैड पहुंचेंगे, उसके बाद में प्रख्यात पंडवानी गायिका जो है उषा बारले के निवास में जाएंगे संक्रमण में और उसके बाद सीधे जो है ये आयोजन स्थल में यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, वीवीआईपी गेट यहां पर बनाए गए, इसके अलावा 3 अन्य गेट है जहां से लोग प्रवेश करेंगे और यहां पर करीब 25,000 से 30,000 लोग आराम से बैठकर अमित शाह जी को सुन सकेंगे। तो सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। करीब 16 पार्किंग यहां पर बनाई गई है और जिस तरह से जो मंच आप पीछे देख रहे हैं यहां पर 3 लेयर में यहाँ पर अतिथिगण बैठेंगे, अमित शाह के साथ में सांसद होंगे, राज्यसभा सांसद होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे अन्य लोग भी हैं। तो 3 पंक्तियों में यहाँ पर जो बैठेंगे उसके बाद में ये सभा होगी। करीब 2:10 से ये सभा शुरू होगी और 3:15 में अमित शाह यहाँ से रवानी कर देंगे, इसके बाद में उनका बालाघाट का प्रोग्राम होगा। तो कुल मिलाकर आज जो दुर्ग है, दुर्ग में काफी उत्साह देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और अब जो है एक तरह से चुनावी संक्रांत होने वाला है। यही वजह है कि आज जो है काफी
उत्साह में लोग नजर आ रहे हैं जी। हालांकि फोकस तो गृहमंत्री अमित शाह पर ही है वहां कार्यक्रम में, लेकिन और कौन होंगे वहां मंच पर उस वक्त लीडरशिप छत्तीसगढ़ की, जिनका मंच पर हम मौजूदगी देख सकते हैं आगे कार्यक्रम में? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह है, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर होंगे यहाँ पर, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद होंगे, अरुण साव मौजूद होंगे, समस्त जो यहाँ पर सांसद जो है इस संभाग के अंतर्गत आते हैं 3 सांसद वो यहाँ पर मौजूद होंगे, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे यहाँ पर मौजूद होंगे, इसके अलावा जिला अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री है, विधायक है, इस तरह से सभी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर काफी जोश खरोश से तैयारी की गई है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि ये अमित शाह जिस तरह से एक हर कहीं जब जाते हैं तो कुछ बदलाव कर आते हैं, और आज जो है इनसे पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये जरूर दुर्ग में कुछ ऐसा जादू करेंगे कि जब यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ जो कहलाने वाला है दुर्ग, उसको भेद कर ये पुनः जो बीजेपी में आ जाए, क्योंकि वर्ष 2018 के पहले एक तरह से यहाँ पर जो था वो बीजेपी का गढ़ माना जाता था दुर्ग, लेकिन वर्ष 2018 में एकदम से चेंजेस आए और उसके बाद में ये पूरी तरह से पलट गया है और कांग्रेस के ये खेमे में आ गया है। तो इस तरह से अब 20 में से 18 जो सीटें हैं विधानसभा की वो कांग्रेस के पास में है, तो ऐसे में कांग्रेस के किले को भेदना बीजेपी के लिए काफी मुश्किलों भरा है, लेकिन चैलेंज है और इस चैलेंज को स्वीकार किया है आज बीजेपी ने और अमित शाह से इसकी शुरुआत हो रही है। तो निस्संदेह आज जब वे आएंगे तो आज कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से चार्ज करने का प्रयास किया जाएगा, और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अमित शाह जब भी जाते हैं जहां भी जाते हैं वे कुछ बदलाव कर आते हैं, काफी बदलाव देखने के लिए मिलता है, तो इनको उम्मीद है कि एक सकारात्मक बदलाव आज देखने के लिए मिलेगा और दुर्ग संभाग जो है वे पूरी तरह से जीतेंगे जी। बिल्कुल, और इस मैदान पर अब से कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह आने वाले हैं और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, सिक्योरिटी भी स्ट्रिक्ट है। आगे और डिटेल्स लेने के लिए आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग आ रहे हैं, और ऐसे में दुर्ग प्रवास के दौरान अमित शाह बीजेपी के सम्मेलन में शामिल होंगे, और इसके साथ ही वो भिलाई भी जाएंगे जहां अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका उषा बारले के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे। गृहमंत्री के दौरे को लेकर उषा बारले के घर पर भी तैयारियां चल रही हैं। उषा बारले खुद गृहमंत्री अमित शाह के लिए पकवान तैयार कर रही हैं, और गृहमंत्री अमित शाह यहां पर आएंगे मुलाकात करने, और उषा बारले जो कि पंडवानी गायिका हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए आएंगे गृहमंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग प्रवास में आने वाले हैं, जिसकी जोरदार तैयारियां की जा रही है, लेकिन इन तैयारियों में एक तैयारी बेहद खास हो रही है, वो है इस घर की तैयारी। दरअसल ये जो घर है वो प्रख्यात पंडवानी गायिका उषा बारले का घर है जहां अमित शाह पहुंचने वाले हैं, इस वजह से यहां पर जोरदार तैयारियां की जा रही है। तो चलिए, किचन से काफी खुशबू भी आ रही है, हम देखते हैं कि क्या बन रहा है और किस तरह की तैयारी चल रही है। तो देखिए, ये उषा बारले जी यहां पर नजर आ रही हैं और कुछ तैयारियां चल रही है। उषा जी नमस्कार, कैसी हैं? नमस्कार, नमस्कार। कैसी चल रही तैयारी? कल अमित शाह जी आने वाले हैं। बहुत बढ़िया तैयारी चला था वे, और मैं यहाँ चाय कभी बनाई नहीं हूँ, दाल भात बनाता हूँ और कॉफी भी नहीं बनाया, चाय बनाता ना मैं सिंपल पीता, ऐसे कॉफी नहीं बनाया मैं, तो मैं तैयारी कर रहा था कि बाबूजी ला कॉफी बना के दे हूं ऐसे करके, तो वही सीखा था मैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे, सीधा आप ही के घर में आने वाले। बहुत बहुत अच्छा लगा थे, मस्त लगा थे, मैं कैसे टाइप के बोला हूं? मतलब मैं खुशी के मारे कुछ बोल नहीं सकता हूं, बहुत ही अच्छा लगे। जैसे गा के भजन हरि के चोला तरी जहि रामा, गा के भजन हरि के चोला तरी जहि रामा, चोला तरे जाहि रामा, चोला तरे जाहि जी, चोला तरे जाहि भाई, चोला तरे जाहि, गा के भजन हरि के चोला तरे जाहि, सोरी के बोईर सुदामा के तेंदू रुचमुच भोग लगाई, सोरी के बोईर सुदामा के तांदूल रुचमुच भोग लगाई, रुचमुच भोग लगाई जी, रुचमुच भोग लगाई, द्रियोधन घर मेवा त्यागे, द्रियोधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई जी, गा के भजन हरि के चोला तरे जाहि रामा, गा के भजन हरि के चोला तरे जाहि रामा। तो देखिए, पूरी तरह से इंतजार किया जा रहा है उषा बारले जी के यहाँ, और पूरी तैयारी कर ली गई, बस इंतजार उस वक्त का है कि जब वे यहाँ पर पहुंचेंगे और उनकी खातिरदारी की जाएगी। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर।
फिर लिए चलेंगे आपको जब गृहमंत्री यहां पहुंचेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि रायपुर में केंद्रीय गृहमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। 500 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। कई जिलों के पुलिस अधिकारियों को यहां तैनात किया गया है। एनएसजी ने भी सुरक्षा की कमान संभाली हुई है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। ऐसे में यहां पर गृहमंत्री जो कि न सिर्फ केंद्र सरकार में गृहमंत्री हैं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा की पुलिसिंग की जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय से जुड़ी रहती है। ऐसे में खुद गृहमंत्री जब यहां आ रहे हैं तो सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट है। अमित शाह का दौरा है, दुर्ग वो जाएंगे लेकिन उसके पहले रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसी को लेकर जो है आप देख सकते हैं कि रायपुर एयरपोर्ट में किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो उसको अरेंज की, उसकी जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहां से लेकर अगर हम बात करें दुर्ग तक के एक तरह से छावनी में जो है वो तब्दील किया जा रहा है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का आज दुर्ग दौरा है, इसके लिए वो यहां पर एयरपोर्ट पर आएंगे और एयरपोर्ट में आने के पश्चात यहाँ पे लंच लेने के बाद वो दुर्ग के लिए टेक ऑफ करेंगे। हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई हुई है, इसमें वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में लगातार बल यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। फाइनल एरिया से लेकर पर्याप्त बल लगाया गया, पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की कोई असहज स्थिति जो है वो ना हो। कैमरा पर्सन सुशील के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट है और गृहमंत्री के सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो इसके लिए यहां पर पूरा पुलिस अमला जमला तैनात है। और रायपुर से एक और बड़ी खबर बता दें, दो दिवसीय रायपुर दौरे पर कुमारी शैलजा आ रही हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा दो दिवसीय दौरे पर आ रही हैं और साथ ही कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेताओं की बड़ी बैठक लेने वाली हैं और साथ ही करीब 3 बजे जो आज बैठक होने वाली है उसके बारे में भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और आपको बता दें कि सीएम हाउस में कल भी एक बैठक होनी है, संगठन की ये बैठक होनी है। एआईसीसी के प्रभारी सचिव चंदन यादव के बयान, पार्टी लगातार कर रही है विधानसभा बार प्रशिक्षण, बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। दौरा है जिसमें हमारे तमाम प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ 2 दिनों की बैठक है जिसमें हम आगे के कार्यक्रम यानी 2023 और 2024 को लेकर जो हमारी तैयारियां हैं उस पर चर्चाएं होंगी, उस पर हम नीति निर्धारण करेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम करना है, कैसे करना है और फिर कुछ जो चुनाव को लेकर के और भी विषय हैं, चाहे इश्यूज़ को लेकर के, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, गहरी चिंतन करेंगे। स्टार्ट और ममता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। और कुमारी शैलजा का जो दौरा है ये 2 दिवसीय क्या रहेगा, इसमें शेड्यूल, इसके बारे में बात करेंगे। जी ममता, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कुमारी शैलजा आ रही है एक बार फिर से? बिल्कुल, देखिए चूंकि चुनाव का समय काफ़ी करीब है और ऐसे में कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा, उनके लगातार दौरे हो रहे हैं और विधानसभा वार प्रशिक्षण तो चल ही रहा है, उसके साथ ही अब आगे किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, बूथ की स्ट्रेटेजी से पहले जो है वो रणनीति बनाने के लिए कुमारी शैलजा आ रही है। आज 1:30 बजे वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी, उसके बाद में उसके बाद में 3 बजे जो है सीएम हाउस में बैठक होगी। कल भी एक बैठक होगी जो जिस तरीके से चंदन यादव ने बताया, और इस बैठक में खासतौर पर स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि कैसे जो आने वाले समय पे जो है वो संगठन को मजबूत किया जाए और भी ज्यादा मजबूत किया जाए, और इसके साथ ही बूथ का लेवल पे प्रशिक्षण देने के पहले जो है तमाम जो पदाधिकारी हैं वो अपने अपने बूथ पर जाएंगे और वहां की स्थिति को खंगालेंगे, बूथ को लेकर जिनको बूथ के जो प्रभारी हैं उनकी बैठक लेंगे और इस बार अलग अलग बूथों में क्या जो इश्यूज हैं वो कारगर हो सकते हैं उन पर बात करेंगे। बिल्कुल, और उन सभी इश्यूज पर काम करना है, पार्टी के नेताओं को प्रशिक्षित भी करना है, तो निश्चित रूप से चुनाव के लिए ये बहुत जरूरी भी। बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आपको और बता दें, दरअसल मौसम का मिजाज भी यहां बदल गया, प्रदेशवासियों को थोड़ी राहत जरूर गर्मी से मिलेगी। प्री मानसून सिस्टम के कई हिस्सों में हल्की बारिश और दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है और अगले 2 दिन मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो रायपुर और आसपास के क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे और अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है। और बारिश की संभावनाओं को लेकर क्या है डिटेल्स बात करेंगे, हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे साथ तनु इस वक्त मौजूद हैं। तनु, 2 दिन लगभग बारिश होगी, टेम्परेचर थोड़ा नीचे जाएगा, राहत मिलेगी गर्मी से?
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा जो है वो प्रबल हो गई है और इसके साथ ही मानसून की आहट आने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज भी मौसम के मिजाज में जो है बदलाव देखा जाएगा और प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जून के आखिरी सप्ताह तक प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा और लगातार बारिश का जो दौर है वो चालू हो जाएगा, जिससे अगले एक दो दिनों तक मौसम का मिजाज जो है वो यूं ही बना रहेगा। ऐसे में प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू जैसे हालात से बीते दिनों हुए बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली है और अगले 3-4 दिनों तक मौसम का मिजाज यूं ही बने रहने की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होगी। जी बहुत शुक्रिया तनु आपका जानकारी के लिए। और मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है तो 2 दिन बारिश रहेगी। अगर आप बाहर निकलते हैं घर से तो कुछ तैयारी, कुछ प्रिपरेशन करके जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले